नमस्कार फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये जो मैं सोलर दिखा रहा हूँ ये मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है अमेजोन से। वारी का पैनल है और मैं ऐसे पिछले 2 महीने से यूज कर रहा हूँ और अभी तक मुझे इसमें ना काफ़ी अच्छा जो है इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है 2 महीने में। क्योंकि देखिए सोलर का लाइफ जो है काफ़ी लंबा होता है, तो मिनिमम में मैं 2 ही महीना यूज किया हूँ, तो ये मजबूती में भी काफ़ी अच्छा है। वज़न इसका देखा जाए तो 100 वाट सोलर का 9 केजी है और काफ़ी मजबूत सा लग रहा है। ऐसे ऊपर से दबाओगे तो भी जो है ऐसा हिलता नहीं है। कोई कोई सोलर क्या होता है कि ऐसे दबाओगे ना तो बीच में ऐसे नीचे ऊपर होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं होता है। तो मजबूती में बढ़िया है और एक सोलर पैनल का वज़न 9 किलो है, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ डाउट इसमें लगा कि ये पैनल्स जो है ना कंपनी वाला इसको मोनो पर्क बोल करके बेचती है, जबकि ये मुझे मोनो पर्क सोलर कहीं से भी नहीं लग रहा है, पता नहीं अब। लेकिन इसका पावर जो है ना बढ़िया दे रहा है। और मोनो पर्क में क्या होता है, कट होता है, ठीक है, कट नहीं लगी हुई इसमें है, ऐसा कुछ कट वट नहीं है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कट होता है, तो ये छोटा छोटा कट इस तरीके का है, तो इसको इस ये तो कट उसमें भी है चूँकि वो मैंने सुकाम का लिया हुआ था, तो इसमें भी तो जस्ट वैसे ही है। वो मोनो पर्क नहीं है, देखो ये आज से 15 साल पहले सुकाम का लिया हुआ था, तो ये मोनो पर्क नहीं है, ये तो क्रिस्टलाइन ही है। और ये जो है कंपनी वाला बोलती है कि ये मोनो पर्क है, तो मुझे तो ये मोनो पर्क नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ मुझे इसमें जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस लगा। बाकी क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी है, वज़न भी अच्छा है, 600 वाट का काफ़ी तगड़ा सोलर लग रहा है, ठीक है ना। मोनो पर्क में लेने जाओगे तो इतना बड़ा सोलर जो है 100 वाट का आपका नहीं, कम से कम 160 वाट का हो जाएगा। साइज़ में बहुत बड़ा है, 100 वाट का सोलर है लेकिन बड़ा साइज़ है, ठीक है। तो अगर मोनो पर्क होता तो इतनी बड़ी साइज़ में लगभग 150 वाट तो पक्का हो जाता। तो ये जो है यही मेरे को एक मिस्टेक लगा इसमें कि मोनो पर्क बोल करके बेचा जाता है, जबकि मोनो पर्क है नहीं। बाकी सब चीज़ में मुझे अच्छा लगा, पावर आउटपुट भी बढ़िया देता है, टिकाऊ भी बढ़िया लगा मेरे को। और इसका कीमत मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया ऐसा लगता है, कि मेरे को 8,000 पड़ा, ये 2 सोलर पैनल का 8,000 रुपये पड़ गया, ठीक है। 4,000 इसके और 4,000 इसके, मैंने EMI पे ख़रीदा था इसको पैलेटर से, तो इसका मुझे 8,500 रुपये लग गया। तो कैसा लगा ये मेरा सोलर रिव्यू, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मेरा सिस्टम ये 250 वाट का मैंने लगाया है फ़िलहाल, 250 वाट मेरा बैटरी जो है 50 एम्पीयर का ही है, सिर्फ 40 एम्पीयर का ही है, तो इसमें जो है बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। 250 वाट में कम से कम 100 वाट का चाहिए होता है, 100 एम्पीयर का बैटरी चाहिए होता है, ठीक है। तो आप इसमें इस तरीके से सेटअप लगाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हम आपको गाइड जरूर कर देते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक।